सो हेलो गाइस, कंपाउंडिंग सीरीज का जो $100 से $1,500 का Day 90 है, तो आज का अपना टारगेट एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो देख लो, और टारगेट अपना आज का वो $56 है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 556 डॉलर, तो उसको अपन सेकंड एक्सेल शीट में टाइप कर देंगे, 556 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड में से अपने को विन करना पड़ेगा। टोटल 5, 5 में से, यानी कि मिनिमम एक ट्रेड विन होना चाहिए, बैक टू बैक 5 लॉस नहीं जाना चाहिए। जैसे ही 5 ट्रेड विन होगा, 10% का जो टारगेट है अपना $56 का, वो गेन हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे कोटेक्स में, $56 का जो टारगेट है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे $30 का ट्रेड लूंगा। 2 ट्रेड में यहाँ पे विन करके दिखा दूंगा आपको। जो एक्सेल शीट है उसको फॉलो करना है, ठीक है। एक्सेल शीट आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे देखो सब कुछ शेयर करता हूँ। मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग आप लोग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और बहुत चीजें यहाँ पे जो है वो शेयर कर लेता हूँ मैं, तो जाके ज्वाइन हो जाना। और प्लस यहाँ पे जो इंडिकेटर मैंने लगा के रखे, उसका सेटिंग जो है वो उन्होंने चेंज कर रखा है, तो वो फ्री में आपको यहाँ से पिन मैसेज में जो है वो मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो लगा रखा है मैंने, तो जाके ज्वाइन हो जाना। तो अभी देखो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे। इंडिकेटर दोनों लगा रखे, दोनों का यूज कैसे करना है वो भी मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। ये चीज लाइव मार्केट में ही वर्क करती है। यहाँ पे देखो चांस था अपने पास, हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे मैच मिस कर दिया। तो देखो जैसे ही अपना ये वाला जो इंडिकेटर है उसको ब्रेक करता है कैंडल, तो मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है वो रिवर्स सर्कल के लिए आपको जाना रहता है। तो ये ऑलरेडी ग्रीन बन गया, देखो जैसे ही ब्रेक किया रिवर्स सर्कल के लिए कैंडल बन गया। इसका यूज करके आप जो भी अपना लॉस है उसको रिकवर कर सकते हो। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे ही ब्रेक करता है कैंडल, आपको रिवर्स सर्कल के लिए जाना है। ये वाला कैंडल जो है ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर रहा है। जैसे ही ब्रेक करके मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा, तो आपको पता है जैसे ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है ऊपर वाले लाइन को, तो हमको रेड के लिए जाना है। नीचे वाली लाइन को अगर रेड कैंडल ब्रेक करता है, देन हमको अप के लिए प्लेस करना है, यानी कि रिवर्स सर्कल के लिए जाना है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो देखो अगला जो प्रीवियस वीडियो था, वहां पे थोड़ा बहुत लॉस हुआ था जिसको हमने रिकवर किया था, तो ये इसका जो है वो ट्रेड हिस्ट्री है, ठीक है। आप चाहिए वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हो। वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया अपने इंडिकेटर वाला लाइन को, तो मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग किया है कैंडल, सेलर का प्रेशर हमको दिख रहा है। तो वैसे भी इस कैंडल को डाउन ही जाना था, और हमने डाउन के लिए प्लेस किया। जो इसका सेटिंग है वो प्राइस एक्शन के बेस पे ही है, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट अप्लाई मत करना, आपको ये सब कुछ मतलब फ्री में टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जाके एक बार देख लेना। $30 के साथ डाउन के लिए प्लेस किया मैंने। अभी देखो लेवल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट बिना लेवल के हम लोग जो है वहाँ पे प्लेस कर दिए। रीजन वही है कि अपना जो इंडिकेटर एनालाइज कर रहा है, हमको कुछ नहीं करना, इंडिकेटर सब कुछ ऑटोमेटिक दिखा देगा। उसी का यूज करके आप जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो। 5 में से 1 विन करना है आपको, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आपको एक्सेल शीट का यूज करना है, तो इजिली आप जो है वो प्रॉफिट बना पाओगे। तो आपको मेरी तरह नहीं करना, ठीक है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए मैं अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको सही से यूज करना है जो मैंने दे रखा है एक्सेल शीट उसका। तो जिसके पास एक्सेल शीट नहीं है वो लोग मेरे से ले सकते हो। 1 मिनट, यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस कर देते हैं। मार्टिंगल के लिए, किस लिए, अपना जो लॉस हुआ ये वाला ट्रेड उसको रिकवरी के लिए मार्टिंगल प्लेस किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है कि कैंडल जो है वो रेड ही आने वाला है, तो मैंने मार्टिंगल यहाँ पे प्लेस कर दिया। और एक चीज और है यहाँ पे देख लो, जो प्रीवियस शेडो था उसी के नीचे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, यानी कि हमारा जो इंडिकेटर है वो परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी देखो दिसंबर है, मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है, तो 1-2 एरर आपको देखने को मिलेंगे। उसको कैसे आपको मैनेज करना है, रिकवरी करना है, वो आप पे डिपेंड है। मार्केट थोड़ा लैग हो रहा है, बट आप देखो जैसे मैंने बोला कि वो आप पे डिपेंड है, तो आपको उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। थोड़ा डेमो में प्रैक्टिस कर लोगे इंडिकेटर कैसे यूज करना है, देन आप प्रॉफिट बना पाओगे। वैसे भी ये वाला जो पूरा सीरीज है वो इंडिकेटर पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो उसको अच्छे से सीख पाओ। बैक टू बैक 30 दिन तक एक ही चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा, देन आप लोग इजीली सीख पाओगे, ठीक है। तो एक वीडियो पे कोई भी चीज सीखना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम जो है पूरी सीरीज इसी पे बना रहे हैं। एक ट्रेड मैंने विन कर लिया, एक यानी कि ये मार्टिंगल था, तो इसको एक ही काउंट कर रहा। अभी एक और ट्रेड विन करना बाकी है, उसके बाद हमारा जो 10% का टारगेट था $56 का, वो गेन हो जाएगा, तो हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। रही बात अपना जो एक्सेल शीट है, वो आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करना है, आपको कॉटेज का अकाउंट क्रिएट करना है, देन
देन आप लोग जो ये वाला सीट मेरे से फ्री में ले सकते हो। तो देखो ये वाला ब्रेक कर रहा है, नीचे वाली लाइन है तो अपनी इंडिकेटर की, उसको ब्रेक कर रहा है कैंडल। जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग आपके लिए प्लेस कर देंगे। तो अगर देखो पेशेंस रखना है, ब्रेक ना करे देन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक करे तभी आपको ट्रेड लेना है, और कोशिश करना कि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा, यानी कि ट्रेड का वेट करूंगा तो थोड़ा काफी टाइम लग जाएगा। तो मेरे को जहाँ पे एंट्री मिला मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है ना, आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अगर ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड पे चलोगे देन प्रॉफिट इजिली बन जाएगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो बैक टू बैक दो रिजेक्शन आए हैं, अभी मैं वेट करूंगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा नीचे वाली लाइन को देन प्रेस आप लोग जो आपके लिए प्लेस कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर जो जैसा आप नीचे देख सकते हो उसका भी यूज आपको बता रखा है, वाले जब भी ओवर बाइंग या ओवर सेलिंग की पोजिशन में मार्केट आ जाता है तो वहां पर आपको अंदाजा आ जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में, और प्लस यहाँ पे जो है मार्केट ओवर बाउट की पोजीशन में, यानी कि यहाँ पे आपको अंदाजा आ जाता है कि मार्केट जो है नीचे जाने वाला है। मार्केट ये वाला इंडिकेटर भी आपको बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और आपका जो इंडिकेटर ये वाला लगा रखा है वो भी बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। देन आप इजीली डाउन के लिए प्लेस कर पाओगे, एक कंफर्मेशन के लिए सही चीज है, ठीक है। यूरो जीबीपी को देखा जाए तो यहाँ पे कोशिश कर रहा है मार्केट जो इस इंडिकेटर को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, बट ब्रेक कर नहीं पा रहा, यानी कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर भी देखो थोड़ा बहुत वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो ऐसे ही बैठना है ना, ट्रेडिंग करना है, तो आप इजिली पेशेंस के साथ कर पाओगे, प्रॉफिट बन जाएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, और वैसे भी 10% डेली आपको अगर गेन करना मिल रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है आपको बैठने में, ठीक है। देख लो ये वाला तो ऑलरेडी डाउन आ गया, अगर डाउन नहीं आता तो हमको चांस मिल जाएगा। $30 के साथ में जाने वाला हूँ, वेट करेंगे हम लोग। देखो चांस मिला तो ठीक है, वरना मैं अपने हिसाब से जो है प्राइस एक्शन के बेस पे ले लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड मैंने दिखा दिया, और हमारे सारे वीडियो आप देख सकते हो मैंने इसी पे ट्रेड लेके बहुत सारे ट्रेड दिखा दिए। आप सारे वीडियो देखोगे समझ जाओगे कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। वेट करूंगा यहाँ पे, देखते क्या हो रहा है। रिजेक्शन है यहाँ पे, देन सपोर्ट लिया मार्केट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अब डायरेक्शन के लिए जो कैंडल जाने वाला है। ट्रेड मैंने प्लेस किया बट पता नहीं कैंडल क्यों मेरा स्टक हो रहा है, 2 दिन से मेरा ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये आप लोगों का हो रहा है, पता नहीं सर्वर इश्यू है। देखो अच्छा ट्रेड लगा है वैसे, ट्रेड यानी कि परफेक्ट लगा, जहाँ पे जो बीच वाली लाइन दिख रही है ना आपको इंडिकेटर की, ये वाला बॉलिंजर बेट की, वो भी एज ए सपोर्ट का ही काम करती है। दूसरी बात, प्रीवियस जो कैंडल है उसी के पास अपना जो है ओपन प्राइस है, प्लस एक शैडो रिजेक्शन है, तो इसीलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया कन्फर्मेशन के साथ। अगर ये लॉस जाता है देन हम वेट करेंगे, बिकॉज देखो ट्रेड आपको इंडिकेटर पे मिलेगा बट उसके लिए 5 या 10 मिनट वेट करना पड़ता है, बट अपना जो वीडियो बना रहे उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। तो मैंने जो है अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस किया, आपको ऐसा नहीं करना, आपको आराम से ट्रेड करना है। कैंडल स्टक हो रहा है, ठीक है, पता नहीं भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। देखो वीडियो पूरा देखोगे सीखने को भी मिल जाता है, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को फ्री में मिलता है। इतना लॉन्ग वीडियो बना के कोई समझाएगा नहीं, वो भी रेगुलर वीडियो डालना, फिर सब कंटेंट एक एक चीज समझाना, काफी मतलब पेशेंस चाहिए इसके लिए। चलो कोई ना, देखो एक ट्रेड यहाँ पे लॉस हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे चल के रहा है। देखो अगर ये ट्रेड अपना ग्रीन में क्लोज देगा यहाँ पे देन मैं डाउन के लिए प्लेस कर दूंगा, अदरवाइज फिर से वही है कि अपना इंडिकेटर का हम लोग ओके। चलो अपने को यूरो जेपीवाई के अंदर इंडिकेटर वाला जो है वो चांस मिल जाएगा। अभी तो ब्रेक कर रहा है इंडिकेटर को, क्लोज बस इंडिकेटर के बाहर देना चाहिए तभी जो है वो मार्केट रिवर्सल देगा। 4 3 2 1 ओके। तो देखो फ्लक्चुएशन हुआ यहाँ पे, वैसे मैंने 2 क्लिक यहाँ पे ही मारे थे बट एक ट्रेड यहाँ पे लगा और एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे लगा। देख लेते हैं रिजल्ट जो भी रहता है, वैसे भी देखो लॉस या प्रॉफिट होता है तो मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ठीक है। अपना ऐसा नहीं है कि ओनली प्रॉफिट दिखाओ, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको देख ट्रेडिंग का जो रियलिटी वो पता चले कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि ओनली प्रॉफिट होगा,
लॉस भी हो सकता है, तो साथ ही में लॉस रिकवरी कैसे वो भी बता देता हूँ, रिकवरी कैसे करना होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्टिंगल वहीं पे ले रहा हूँ जहाँ पे मेरे को परफेक्ट लगे। आपको भी सेम चीज करना है, मार्टिंगल वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे परफेक्ट लगे, ट्रेड भी वहीं पे लेना है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ से मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। और रही बात इंडिकेटर की, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम पे। अभी देखो आप लोग ज्वाइन होके ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो आपको दे नहीं सकता ना घर पे आके, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो फ्री में। ओके, तो ये वाला कैंडल ग्रीन बना, प्रॉफिट हमारा बन चुका है $616 दिखा रहा है। एक बार ओपनिंग बैलेंस देख लेते, Day 20 का ओपनिंग 612 है और हमने गेन किया 616, तो Day 90 का जो टारगेट है वो डन हो चुका है। तो सबसे पहले इसको ग्रीन कर दे। अभी देखो Day 20 हमारा आएगा कल का वीडियो में, तो तब तक बैलेंस अपना ये वाला देख लो। रही बात इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर देखो यहाँ पे लगा रखा है, फ्री में जाके ले लेना। मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से लिंक से अकाउंट क्रिएट करो, मिनिमम $50 डिपोजिट करो और मेरे को पर्सनली ट्रेडर आईडी भेज देना। आपको मैं जो है वो अलग ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें पर्सनली मैं शेयर करता हूँ। पब्लिक ग्रुप में भी मैं लाइव आता रहता हूँ, देख सकते हो रात का ही है, तो आप लोग लाइव आके मेरे से जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और मेरे साथ ऐसे ही प्रॉफिट लाइव आके करना चाहते हो देन आप लोग जो है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।